मात्रा में हिंदुवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सदर थाने में घुसकर जमकर कोहराम मचाया है। हवालात में बंद अपने मुजरिम साथियों को छुड़ाने के लिए ये कार्यकर्ता एकदम शैतानी हरकतों पर उतारू हो गए। इन्होंने हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की, विरोध करने पर चौकी प्रभारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली गई और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चौकी प्रभारी की बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। पंखे कुर्सियां सब तोड़ दिए गए। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आगरा की है। चौकी प्रभारी को बवालियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और किस तरीके से आगजनी की गई है ये भी आप देख रहे हैं। दरअसल फतेहपुर सीकरी में दो पक्षों में विवाद हुआ, इसके बाद सीओ के साथ अभद्रता की गई, पुलिस की गाड़ी पलटने की भी कोशिश हुई। इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। 8 कार्यकर्ताओं को मौके से गिरफ्तार किया गया और इन्हीं को छुड़ाने के लिए हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता थाने पहुंचे थे। मारपीट की गई जिसमें चौकी इंचार्ज जख्मी हुए हैं। हालांकि अब इन बवालियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। तस्वीरें आपके सामने। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा की तस्वीरें हैं। थाने में जिस तरीके से आगजनी की गई, सिर्फ आगजनी नहीं बल्कि पथराव किया गया, गाड़ियों को पलट दिया गया, कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से कोहराम मचाया वो सब आपके सामने है। कुछ मुस्लिम जो फतेहपुर सिकरी में इशू हुआ था उसके मुस्लिम रखे गए थे। इसके अलावा थाने के और भी मुस्लिम हवालात में जो हमेशा के लिए रहते हैं वो थे। पहले थाने का घेराव किया गया, उसके बाद जमाओं ने मिलकर हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की। उसी को देखते हुए सभी जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट मौजूद थे, सभी लोग फोर्स मौजूद था उनके, उस पर उनको वहाँ से दूर भगाया गया। भागते वक्त उन्होंने एक पुलिसकर्मी की ऊपर हमला किया। इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो शिव चौहान इस समय मेरे साथ मौजूद है। शिव, वाकई ये दरअसल जो ये जो पूरी घटना है ये चौंकाती है कि थाने में घुसकर किसी भी तरीके के उपद्रवी तत्व इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं और पूरा पुलिसिया तंत्र जो है वो पूरी तरीके से नजर आता है असहाय कि कुछ भी नहीं कर पाया। तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए अब क्या पुलिस महकमे की तरफ से कहा जा रहा है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज जरूर कर लिया गया है लेकिन आगे कार्रवाई क्या? देखिए बिल्कुल, कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को देर रात भी गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा मामला फतेहपुर सीकरी इलाके का था। वहाँ हिंदूवादी संगठन अपने कुछ साथियों पर मुकदमा दर्ज होने के विरोध में फतेहपुर सीकरी परिसर में ही कल धरना दे रहे थे और उसके बाद पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने उन हिंदूवादी संगठनों को दौड़ा दौड़ा पीटा और वहां से भी आधा दर्जन हिंदूवादी संगठन के लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनको ट्रांसफर आगरा सदर जी विश्व हिंदू परिषद हो चाहे बजरंग दल हो, उनको मालूम पड़ा कि हमारे कार्यकर्ताओं को फतेहपुर सीकरी से गिरफ्तार करने के बाद आगरा सदर में रखा है। उसके बाद वो थाने पहुंच गए और थाने वाल जमकर बवाल काटा। हवालात के अंदर की अगर बात करें तो हवालात के अंदर जो आरोपी बंद थे उस हवालात के गेट को तोड़ने का प्रयास किया, हवालात को तोड़ने का प्रयास किया और वहीं से एक चौकी इंचार्ज संतोष कुमार अपनी बाइक से वहां से निकलकर जा रहे थे, उस दरोगा को पकड़ लिया और उसकी बाइक में आग लगा दी, कहीं ना कहीं दरोगा के साथ मारपीट की और उसकी पिस्टल लूट ली। उसके बाद सवाल यही है आपसे, मेरा सवाल दरअसल यही था कि इतनी उपद्रवी तत्वों ने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है और थाने में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया है और पूरा जो पुलिसिया तंत्र है वो असहाय नजर आ रहा है, क्या पुलिस के आला अधिकारियों ने इस बाबत भी कुछ कहा है कि पुलिस थाने जो है उन पर सिक्योरिटी के और ज्यादा इंतजाम, कड़े इंतजाम होने चाहिए? बिल्कुल, आगरा के अधिकारियों की बात करें तो इसे गंभीरता से ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस पर हमला और पुलिस थाने के अंदर हवालात को तोड़ने का प्रयास किया है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने के बाद वहां सुरक्षा के मतलब सुरक्षा को लेकर वहां और भी पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, अधिकारियों के साथ भी बदसलूकी हुई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो लोग उपद्रवी है उनको चिन्हित करने के बाद पुलिस अधिकारी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चलिए, तो बात जरूर चल रही है लेकिन अभी इसे क्या अमलीजामा पहनाया जा सकेगा क्योंकि जो उपद्रवी था तो थाने में घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं।